हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। आज का पेपर हो गया। आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे लोगों का पेपर अच्छा गया होगा, और डेफिनेटली अच्छा जाना भी चाहिए। लेकिन 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 मैं सही बोलूँ तो आज का पेपर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ट्रिकी था। ट्रिकी मतलब चार पाँच क्वेश्चन उन्होंने ऐसे फ्रेम किए थे जो नॉर्मली थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट थे। अब बच्चों, मान लीजिए आपका, आप में से हो सकता है 10 में से 5 बच्चों का पेपर को लगता है कि पेपर ट्रिकी था, करेक्ट है? और कई लोगों को लगता है भाई साहब हमारा पेपर तो इतना, मतलब हम तो कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करके गए थे और हमारा पेपर उतना अच्छा गया नहीं। बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे एक ही चीज़ बताइए, आप कल के पेपर के बारे में या परसों के पेपर के बारे में क्या सोच रहे हैं? बच्चों मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यू आर गोइंग टू पास इन दिस एग्ज़ाम। जुरिसप्रूडेंस के पेपर में आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। और अभी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरा पेपर अच्छा गया, मेरा पेपर खराब गया। अभी तुरंत आते ही साथ आपको अपने अगले पेपर की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कई लोग ऐसा करते हैं, यू नो, पेपर दे के आएंगे और पेपर दे के आने के बाद सोचते हैं कि यार मेरा आज का पेपर ना बड़ा ख़राब गया, तो अब मैं कल का पेपर दूँ नहीं दूँ। फिर कई लोगों के मन में ख्याल आता है कि अब दिसंबर में और अच्छे से पढ़ाई करूँगा और अच्छे से मेहनत करूँगा और सारे पेपर्स को एकदम अच्छे से दूँगा। मेरा यकीन मानिए 90% लोग जिस पेपर को सोचते हैं कि वो उसमें फ़ेल होंगे उसमें वो पास हो जाते हैं, और इस चक्कर में अगला पेपर जो नहीं देते उसका उनको पश्चाताप जीवन भर रहता है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। कई बच्चे तो अभी भी सोच रहे होंगे यार क्या करूँ, मैं ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर सकता था, ओ मुझे इसका केस लॉ याद नहीं आया, दादा मैं ये अच्छे से कर सकता था। कुछ नहीं, जो होना था वो हो गया। और हमेशा याद रखिए, देर इज़ पावर, देर इज गॉड, भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं, प्रोवाइडेड आप भगवान को अपने साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर आप खुद ही ये सोचेंगे कि यार आई एम गोइंग टू फेल, मैं फेल होने वाला हूँ, मेरा आज का पेपर ये बिगड़ गया, काश मैं ये अच्छा कर लेता, काश मैं वो अच्छा कर लेता, अबे तो कर ना, अगला पेपर है ना, अगले पेपर में बेहतरीन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो कसर रह गई है, और बिलीव कीजिए 40 मार्क अगर आपने मतलब दो क्वेश्चंस के भी सही आंसर लिखे हैं, दो क्वेश्चन मतलब मेन दो क्वेश्चन रहते हैं उनके भी आंसर सही लिखे हैं, मतलब अगर मैं पूरा ओवरऑल करूं तो दो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर 3 क्वेश्चन थे, तो उतना, जैसे मैंने जो पेपर देखा आज का क्वेश्चन नंबर, खैर वो छोड़ दीजिए मैं नहीं बात करता, कुछ पेपर थे, कुछ क्वेश्चन थे जो आसान थे, और आप में से सब लोगों को यकीन मानिए 40 नंबर कम से कम तो सब लोगों को मिलेगा। तो अगला पेपर देने की तैयारी और भारी भरकम करना है और अच्छी करनी है। और मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, मेहनत करना आपके हाथ में, पेपर कैसा जाए कैसा ना जाए वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, वो अपने कर्मों के ऊपर छोड़ दो, वो भगवान के ऊपर रहने दो। तुम बस पेपर सच्ची ईमानदारी से, सच्ची निष्ठा के साथ आप पेपर दीजिए, एंड डेफिनेटली मेरा यकीन मानिए पेपर अच्छा गया है, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। भगवान को अपने लिए काम करने दीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लिए काम करने दीजिए, और प्लीज़ पेपर वीक पर कोई डिस्कस मत करना, पेपर फाड़ के फेंक दो, और प्लीज़ अपने अगले प्रिपरेशन पेपर की प्रिपरेशन तैयार की शुरू कर प्रिपरेशन शुरू करो ना, और खुश रहो, कोई टेंशन नहीं है, नींद पूरी लो आज रात को, कल का दिन है आपके पास। रूटीन ऐसा रखो कि अभी शाम को 5 बजे तक चाय वाय पी के 5 बजे पढ़ने बैठो, 5 बजे से लेकर 11 बजे तक 6 घंटे पढ़ लेना, मतलब इसमें बीच में आधा ही घंटा खाना खाने के लिए निकाल लेना, 5 से 11, 11 बजे सो जाना, सुबह 7 बजे उठना, 8 घंटे की नींद लेना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छुट्टी का पूरा फायदा उठाना। जो बच्चे बोध ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हैं वो भी 5 बजे, मेरे ख्याल से 4 बजे बैठ सकते हैं पढ़ने के लिए, या 4 या 5 बजे बैठ जाओ, और रात को 12 बजे तक पढ़ो, 12-1 बजे तक पढ़ो, 1 से लेके सुबह 6 बजे तक सो जाओ या 7 बजे तक सो जाओ, एंड देन गो फॉर एग्जाम। तो ऐसे करके प्रिपरेशन करो, अच्छा हो जाएगा, और खुशी के साथ प्रिपरेशन करो, खुश रहो यार, बी हैप्पी, स्ट्रेस मत लो, अगला पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। लव यू, गॉड ब्लेस यू।